हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी बलेनो 2022 फेसलिफ्ट के बारे में। ये है अल्फा वेरिएंट, देख सकते हैं बलेनो का कुछ इस तरह से लुक आता है। फेसलिफ्ट वेरिएंट है ये, बहुत सारे फीचर्स से गाड़ी आती है। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से और देखते हैं क्या क्या दिया गया है। फ्रंट में दिया गया है LED डे टाइम रनिंग DRL और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED फॉग लैम्प दिया गया है और क्रोम फिनिशिंग की गई है। इसके देखेंगे ग्रिल पे, ग्रिल में नीचे से क्रोम फिनिशिंग किया गया है और फ्रंट में सुजुकी का लोगो और कैमरा दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा आता है गाड़ी में। साइड से देखेंगे तो यहाँ दिया गया है 16 इंच का एलॉय व्हील, कुछ इस तरह से आता है इस वेरियंट में। सबसे अलग है, किसी और वेरियंट में ऐसा एलॉय व्हील नहीं आता है। टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 195x55 R16 इंच का इसमें दिया गया है। देखते हैं इसका ORVM देखेंगे तो बॉडी कलर ORVM है विथ टर्न इंडिकेटर। यहाँ पर दिया गया है 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM दिया गया है। यहाँ दिया गया है डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर के साथ क्रोम फिनिशिंग की गई है। बॉडी की बात कर सकते हैं साइड से पूरी लेंथ की, तो लेंथ देखेंगे तो 3.99 मीटर है, विड्थ इसका 1.74 मीटर है और हाइट 1.5 मीटर है। व्हील बेस है 2.50। टर्निंग रेडियस की बात करेंगे तो 4.85 मीटर इसका टर्निंग रेडियस दिया गया है। क्रोम फिनिशिंग की गई है, देख सकते हैं ग्लास के नीचे पूरी बॉडी में फ्रंट से रियर तक। अब बात करेंगे रियर प्रोफाइल की, तो रियर में देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पर पावर एंटीना, सार्फिन एंटीना नहीं आता है इस गाड़ी में। टॉप वेरिएंट में भी स्पॉइलर और उसी पे दिया गया है हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर वाशर के साथ गाड़ी आती है और वाइपर भी दिया गया है। नेक्सा की वायरिंग की गई है यहाँ पर। यह है LED टेल लैंप, LED टेल लैंप का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है पुराने वाली बलेनो से। ग्राउंड क्लियरेंस बात करेंगे तो 170mm ग्राउंड क्लियरेंस है। दो रिफ्लेक्टर के साथ गाड़ी आती है, चार सेंसर दिए गए हैं रियर के। 37 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक गाड़ी में दिया गया है। साइड से देखेंगे तो साइड से कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब चलते हैं फ्रंट डोर के और बात करते हैं आगे के फीचर्स के बारे में। फ्रंट डोर देखेंगे से देख कुछ कैबिन इस तरह का इसका दिया गया है। फ्रंट का फ्रंट डोर देखिए, डुअल कलर में फ्रंट डोर दिया गया है, ब्लू और ब्लैक कलर में। यहाँ दिया गया है पावर विंडो कंट्रोल, चारों ऑटो अप ऑटो डाउन लॉक अनलॉक ORVM के कंट्रोल दिए गए हैं। पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है, ये लेदर फिनिश किया गया है सॉफ्ट टच के लिए। बॉटल होल्डर कुछ स्पेस, स्पीकर दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है ट्विटर गाड़ी में। फ्रंट का सीट देखेंगे तो फ्रंट के दोनों सीट के जो हेडरेस्ट हैं एडजस्टेबल दिए गए हैं, मैनुअल हाइट एडजस्ट करते हैं सीट का। फैब्रिक देखिए, फैब्रिक अपॉस्ट्री में सीट दी गई है। सीट जो है कंफर्ट हो गया है ज़्यादा अच्छा। स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडियल ऑफ का बटन, लाइट्स के कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा का बटन, यहाँ हील असिस्ट के लिए कंट्रोल, HUD जो नया फंक्शन दिया गया है, हेड अप डिस्प्ले और उसके कंट्रोल यहाँ से दिए गए हैं। पियानो ब्लैक में दिया गया है AC वेंट्स का फिनिशिंग। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो लेदर रैप स्टीयरिंग दिया गया है और यहाँ पर किया गया है इसका डार्क सिल्वर में फिनिशिंग। यहाँ टिल्ट एडजस्टेबल और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है मोड का कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल और कॉलिंग कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। क्रूज का कंट्रोल राइट साइड में दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो देख सकते हैं राइट में दिया गया है इसके स्पीडोमीटर, लेफ्ट में दिया गया RPM मीटर और फ्यूल और कूलिंग का इंडिकेटर दिया गया और बहुत सारे फंक्शन इसमें शो करते हैं। यहाँ से आप MID स्क्रीन को मैनुअली आप सेट कर सकते हैं, ट्रिप और सारे फंक्शन देख सकते हैं। यहाँ दिया गया है 9 इंच का फ्लोटिंग डिस्प्ले जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, रेडियो, FM और बहुत सारे फंक्शन इसमें दिए गए हैं। बहुत सारे फंक्शन आप इससे देख सकते हैं गाड़ी के बारे में। अब यहाँ से देखेंगे आप सेटिंग भी कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप 360 डिग्री कैमरा आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका 360 डिग्री कैमरा का लुक आता है। व्यू कुछ देख सकते हैं इस तरह का इसका व्यू है।
360 डिग्री कैमरे का। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, इस तरह से भी आप देख सकते हैं इसके व्यू को। रिवर्स कैमरा का देखेंगे तो रिवर्स कैमरा क्लियरिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है इसका रिवर्स कैमरे का क्लियरिटी। फुल डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, फ्रंट और रियर का भी आप देख सकते हैं। सारे जो बटन दिए गए हैं ये टच में दिए गए हैं, कोई भी बटन बिना टच के नहीं दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से सारे टच फंक्शन कर दिए गए हैं। नीचे दिया गया है दो एसीवेंट्स क्रोम फिनिशिंग और के साथ में देख सकते हैं, बीच में हजार लाइट का बटन दिया गया है, सिल्वर फिनिशिंग किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एसी नॉब कुछ पूरा डिफरेंट कर दिया गया है, बदल दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके नीचे दिया गया है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और यूएसबी पोर्ट दिया गया है। स्पेस दिया गया है कुछ यहाँ पर दो कप होल्डर, ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है इसका गियर नॉब, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आती है। यहाँ हैंड ब्रेक दिया गया है मैनुअली। आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो लेदर फिनिश में दिया गया है आर्मरेस्ट और कुछ स्पेस दिया गया है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सनवाइजर पर दिया गया है एंटी मिरर, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड के लाइट के साथ में दिया गया है। ग्रैब हैंडल देख सकते हैं दिया गया है फोल्डेबल। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो डिसेंट साइज का नॉर्मल साइज का ग्लव बॉक्स इसमें दिया गया है। यहाँ देखेंगे डैशबोर्ड जो है 3 कलर में दिया गया है, बीच में देखिए सिल्वर फिनिशिंग दिया गया है, नीचे ब्लूइश कलर में और ऊपर जो है ग्रे कलर का दिया गया है डैशबोर्ड। कुछ इस तरह का लुक आता है इसका। चलते हैं पीछे और बात करते हैं रियर डोर की, क्या क्या दिए गए हैं। रियर डोर देखेंगे तो यहाँ दिया गया पावर विंडो कंट्रोल, सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट दिया गया है लेदर फिनिशिंग के साथ में, स्पीकर, बॉटल होल्डर और क्रोम में दिया गया इसका डोर हैंडल। पीछे के आर्म हेडरेस्ट जो है वो भी एडजस्टेबल दिए गए हैं, कोई भी आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता है टॉप वेरिएंट में भी। डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आता है, प्रीमियम लुक देखा है डैशबोर्ड का। लेग रूम अच्छा खासा है, स्पेस मिल जाता है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है। रियर एसी वेंट्स दे दिया है इस गाड़ी में, न्यू फंक्शन है। नीचे दिया गया उसके यूएसबी और सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट, यहाँ से देख सकते हैं सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट है, ये यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है फास्ट चार्जिंग के साथ में। एसी वेंट्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हम्प दिया गया है अप्रॉक्स 3 इंच का इसका, जो आराम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, दो एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं और कोई कम हाइट का भी बीच में बैठ सकता है। ग्रैब हैंडल फोल्डेबल दिया गया है, लाइट दिया गया है हैलोजन लाइट दिया गया है बीच में, प्लेन रूफ था कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। बात करते हैं इसके, चलते हैं पीछे और बूट देखते हैं। बूट की बात करेंगे तो दिया गया है इसमें 318 लीटर का बूट स्पेस देख सकते हैं। पीछे से जो पिछली बलेनो थी उससे कुछ कम है, लेकिन ठीक ठाक बूट स्पेस इसमें अच्छा खासा दे दिया गया है। थोड़ा गहरा है, यहाँ दिया गया है बूट लाइट हैलोजन में। बूट की गहराई थोड़ा ज़्यादा है तो जिससे सामान रखने या सामान उतारने में दिक्कत हो सकती है। सारी गाड़ियों में फ्लैट आ रहा है, मैक्सिमम गाड़ी जो है इतना ज़्यादा गहरा बूट स्पेस नहीं आता है। यहाँ देखेंगे तो नीचे दिया गया है स्फीयर व्हील, यहाँ से देख सकते हैं स्फीयर व्हील दिया गया है स्टील रिम में। इसका प्रोफाइल देख सकते हैं 195x65 R 16 इंच का दिया गया है। यहाँ देखेंगे रियर में तो सुजुकी का लोगो के ऊपर जस्ट दिया गया है रियर कैमरा, बलेनो की बैजिंग देख सकते हैं लेफ्ट में दिया गया है, वाइपर के नीचे एकदम, और क्रोम फिनिशिंग कर दिया गया है जिससे पीछे से गाड़ी का लुक और ज़्यादा बढ़ जाता है। इंजन देखेंगे तो इसमें दिया गया है 1.2 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली स्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 88 BHP का पावर और 113 Nm टॉर्क। इंसुलेशन की व्यवस्था की गई है, यहाँ डैम्पिंग किया गया है जिससे बहुत ही कम आवाज़ आती है इंजन से। सेफ्टी की देखेंगे तो इसमें आता है ABS, EBD, 6 एयरबैग, हील असिस्ट, पावर डोर लॉक, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, क्रैश सेंसर,
और भी सेफ्टी दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।